हमारे साथ कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब हैं। सर, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने करियर लेट शुरू किया स्पोर्ट्स में, लेकिन राजनीति में पहले कूद पड़े हैं, ऐसे क्या अनपढ़ी है? देखिए, समय है ऐसा जब जो जिसमें जो क्षमता है, जो अपना समय देना चाहता है, जिस तरह से देना चाहता है, वो उस देश का हिस्सा बने। और मुझे ये लगता है कि मैंने सेना में देश की सेवा कर ली, खेलों में देश की सेवा कर ली, अब जो खुद की जो सफलता है उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे एक सामूहिक सफलता में दिलचस्पी है, और इसीलिए मैंने राजनीति ज्वाइन करी। सर, सवाल ये है कि अभी जो हवा चल रही है, एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, एक तरफ राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल बीच में कूद पड़े हैं, तो ऐसा क्या लगता है कि आम आदमी क्या आम देश को आगे ले जाने की सोच रहा है, या जब बीजेपी जो कह रही है उसमें कुछ दम है? कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ये लोकतंत्र है, जितने ज़्यादा लोग आना चाहें आए, जो कहना चाहें, जो जहाँ तक लोगों का भला कर सकते हैं बोलें और करें, लेकिन बोलने और करने में फ़र्क नहीं होना चाहिए। उसका तजुर्बा और जो 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 कुछ एक तरह से जो जो करावा हो, वो कहीं दिखना भी चाहिए। अब आते ही आम आदमी पार्टी ने सब लोगों को आम बनाना शुरू कर दिया है, एक हाथ से दे रहे हैं दूसरे हाथ से को दे एक हाथ से ले रहे हैं दूसरे हाथ को दे रहे हैं, तो कांग्रेस ने क्या अलग करा था? जो लोग बदलाव चाहते थे, क्या यही वो बदलाव है? आप किसी बड़ी पॉलिसी की बात करें तो कोई पॉलिसी उनके नाम पर नहीं है। यही फर्क है, मोदी खास बनाना चाहते हैं, आम आदमी आपको आम बनाना चाहती है, मोदी आपको सक्षम बनाना चाहते हैं, दूसरे देशों के पास जो पैसा है उसको भारत लाना चाहते हैं, यहाँ के लोग इतने सक्षम बने कि बाहर वालों को नौकरी दे सकें, अपने राज्य में उन्होंने 12 साल का जो ज़बरदस्त काम करा है, वो उनकी एक तरह से तजुर्बा बिल्कुल क्लियर दिखाता है कि वो मोदी क्या कर सकते हैं।